अरे मेहता साहब, क्या ये सब क्या हो गया है? हाँ तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्सल अभी अभी आया है। बाल कैसे चंपू चंपू हो गया। तो ये अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि माइक में डिस्टर्बेंस आ रहा है जब भी मैं स्पीड में होता हूँ, स्पेशली ऑन एक्सपल्स। तो स्लो स्पीड में भी होता, सिर्फ फास्ट स्पीड में ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। और वो हवा का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना भी मैंने देखा है हवा एक्चुअली मुझे लग रहा है इसको लग रही है। ये जो इसका अडाप्टर है ना, ये TRSS to TRS, ये वाला इसके साथ जो मिला है ये गड़बड़ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेरी स्ट्रांगली मैं पहले ही सोच रहा था ये दूसरा ले लूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले यूज़ करके देखते। काम कर रहा था लेकिन स्पीड में थोड़ा लफड़ा दे रहा है अभी। आई एम नॉट श्योर इसका प्रॉब्लम है कि माइक का प्रॉब्लम है। माइक तो खैर चलो अच्छा ही लग रहा है मुझे, तो माइक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। और इसका रिप्लेसमेंट मैंने मंगा लिया है जो जल्दी आ गया यार, आज ही आ गया भाई। काफ़ी महंगी चीज़ है यार ये चीज़। ये है भाई रोड का TRSS to TRS अडाप्टर, बेसिकली यही चीज़ है। यही चीज़ इन्होंने ऐसी दी हुई है, और ये रोड की है तो ऑफकोर्स इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम होगा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये शायद हो जाएगा, आई होप सो। 1100 रुपये की चीज़ है यार। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अरे कुछ भी नहीं है इसमें, खाली ये चीज़ है बस, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो देते यार, पेपर वेपर कुछ तो देते, ऐसा कैसे इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिंपल है, ये जाएगा इसमें ओके, और ये जाएगा गोप्रो में सेट। अब इसको अपन पहनेंगे और देखते हैं इसका ऑडियो कैसा है। अब इसका एक्चुअल ऑडियो टेस्ट जो है वो रोड पे समझ में आएगा जब मैं हाई स्पीड में होता हूँ, तो वो मैं बाद में करूँगा। फिलहाल के लिए टेस्ट करता हूँ, पता चले ख़राब है तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो है इस माइक से जो पहले वाला था, लेकिन रोड के इनपुट से ये वाला अडाप्टर से वो अंदर जा रहा है। आई एम नॉट श्योर आवाज़ कैसा है, अच्छा ही होगा शायद, क्योंकि आवाज़ तो सेम ही होगा, बस डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। अब डिस्टर्बेंस रोड पे पता चलेगा, देखते। तो ये खर्चा हो चुका है, अगर आपको ये लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये इसका प्राइस कम होता नहीं है, यूजुअली 1100-1100 में मिलेगा ये, तो ये आप ले सकते हैं। और अभी देखते हैं केतन मिलने का बोल रहा था, तो लेट्स सी केतन अगर मिलते हैं तो जाऊंगा बाहर, नहीं तो फिर बाकी के काम बहुत है अपने पास, काम निपटाने। देखो ये बैग यहीं पड़ी है, अभी टॉप बॉक्स भी आ गया। अरे भाई टॉप बॉक्स आ गया, मैं भूल गया यार। हवामान हेरेडे खाओ से, ये मैंने राइड के लिए लेके गए थे, राइड में खाया नहीं, मैं भूल गया। चलो ठीक है, चलो जाते हैं केतन मेहता साहब के यहाँ पे। आज बस ऐसे खाना खाने के लिए बुलाया है, काफ़ी टाइम से मिले नहीं, जब से मैं आया तब से मिले ही नहीं है। तो मिलेंगे, थोड़ा राइड काइड की गपशप करेंगे, फ्यूचर राइड की प्लानिंग करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे मेहता साहब क्या ये सब क्या हो गया है? क्या ये देखो घर की क्या हालत हो गई है, एक्चुअली हालत बन रही है। अच्छा बन रहा है, तो काम चालू है, सही है, लगना चाहिए ना आर्किटेक्ट का घर। और यहाँ पे भी काम हो गया एक्चुअली, अभी आप लोग को क्या समझेगा कौन सा काम हुआ है, उनके लिए तो कुछ नया ही है, लेकिन चल रहा है देखो। और यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। मैंने बोला मेहता साहब को काई को जरूरत नहीं है, जंस्कर रिटर्न। हाँ जंस्कर रिटर्न है तो उत्ता बनता है, और आलू की सब्जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो अंडे उबल रहे। चिकन सॉसेज मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे रेडीमेड घर पे भी मिलते हैं। एक्चुअली बैचलर लाइफ में ये भी बहुत हो गया। ये भी बैचलर है और मैं भी बैचलर हूं दोनों। पर तुम्हारे भाई आ रही है ना काम के लिए, हमको बाहर कोड़ी भाजी केंद्र से भाजी लेता हूँ रोज, सोचो यार ऐसे में वो वाला टाइम याद आ रहा है 3 साल पहले। हाँ तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्सल अभी अभी आया है। वैसे बाल कैसे अजीब हो गए, जब से राइड से आया हूँ मेरे बाल ऐसे अजीब से हो गए, देखो गुल गुल गुल। ठीक है कोई नहीं से, चलो इसको मैंने ऑलरेडी खोल दिया था, तो पूरा नहीं खोला है बस ऊपर का बॉक्स खोला है। तो ये रहा इस कैमरा के लिए अपने DSLR के लिए नया माइक, ब्रांड न्यू सेनहाइजर का MKE 400 है। तो ये काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था। ये वाला जो माइक है ये नॉर्मल माइक है, ये वाला जो माइक है ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में आता है। फरवरी 2022 इंपोर्ट, और ये खुलेगा अपना असली। ओहो ये देखो ये रहा माइक। ये माइक की बहुत खास बातें हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट खास बात मैं आपको बताऊँगा। ये रहा इसका डेड कैट, ठीक है, जिसकी ज़रूरत एक्चुअली नहीं है इसको, लेकिन फिर भी है। और ये इसका एक पाउच माइक रखने के लिए, सही है। और ये कुछ केबल्स हैं, ये शायद लगेगी कैमरा टू, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो स्मार्टफोन, और इस पर लिखा हुआ होगा कैमरा। चलो छोड़ो, ये रहा मेन प्रोडक्ट। क्या बात है, काफ़ी हल्का है। ओ हो हो भाई साहब, लुक एट दिस, इट इज़ सो लाइट।
और इसकी खास बात ये देखो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्लस माइनस, तो ये 20 dB माइनस कर सकता हूँ, 20 dB प्लस कर सकता हूँ, मतलब मैं थोड़ा दूर भी रहा तो मैं प्लस पे स्विच करके अपना आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कोई पास फिल्टर है, क्या बोलते हैं उसको, ये वाला जो पार्ट है ये लो कट फिल्टर है। लो कट फिल्टर मतलब आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज जो जैसे ट्रैफिक या हवा उसको भी कट कर देता है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हेडफोन जैक है आपका साउंड मॉनिटर करने के लिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके ऊपर रख के तो मैं खुद का साउंड मॉनिटर कर सकता हूँ कि यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है और उस हिसाब से हम फिल्म कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये ऑटोमेटिक चालू होता है, आई थिंक मेरे कैमरे पे होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली चालू ऑटोमेटिकली बंद, जैसे मैं कैमरा बंद करता हूँ। इसमें जाएगी दो बैटरीज, ठीक है, जो इसके साथ इंक्लूडेड है, नीचे अपना हॉट शू, सामने से इसका जो पोर्ट है वो सामने है, तो ये सबसे अच्छी बात है, पीछे नहीं है, क्योंकि यूजुअली इसमें क्या होता है ना पीछे वो लगते रहता है, तो वेरी स्मार्टली दे हैव डन सामने। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे, ये मैंने खुद खरीदा है, मे बी ऐसा हो सकता है बहुत फर्क नहीं समझेगा, लेकिन विद टाइम बाहर जाएंगे वहाँ पे एक्चुअल फर्क समझेगा और जो डिस्टर्बेंस वाला आइटम है ना वो खत्म हो जाएगा मेरी लाइफ से। देखो अभी ये वाला जो माइक है ये रोड वाला, ये कुछ ऐसा है, करेक्ट, इसके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने ये स्पंज दिया हुआ है जो बहुत बड़ा है, तो मेरे कैमरा के लेंथ से ज़्यादा वो माइक हो जाता है। और ये वाला जो माइक है इसकी साइज देखो, ये देखो, इट इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, और ये जो है ना ये काफी फ्लमजी है, ये देखो ऐसा हिलता है तो इसका भी आवाज आता है, इसमें वो सब चीजें नहीं है। क्यों, मतलब ये सेल के अंदर माइक है, ठीक है, और वो माइक सस्पेंडेड है ऑन दिस काइंड ऑफ सेटअप, तो उसके अंदर है और उसको विंड प्रोटेक्शन का मफलर भी दिया हुआ है, तो मुझे एकदम बहुत ज्यादा विंड रहेगी तब ये यूज करना पड़ेगा, और यूज करना भी पड़े लगा के भी रखेंगे तो दिस इज नॉट दैट बिग, इतना ही है। अगर मैं ये माइक कंपेयर करूँ तो ये माइक से तो छोटा ही है डेफिनेटली, ये ऐसा स्क्रू जैसा है ताकि ये हिले ना, मतलब ये निकलेगा ही नहीं। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं रोड वीडियो माइक गो से, जो मेरे कैमरा जब लिया था 2 साल पहले तभी मैं माइक लिया था, बहुत अच्छा माइक है, लेकिन अभी इसके बाद आप ये सुनोगे तो सुनो। तो दोस्तों अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो मेरे नए प्रॉपर प्रोफेशनल माइक से है, सेनाइजर MKE 400। कैसा आवाज़ आ रहा है आपको वैसे राइट नाउ, उसका जो डेसिबल्स है वो न्यूट्रल पे है, और जो फिल्टर है पास फिल्टर है वो कहाँ है, लो कट फिल्टर वैसे ऑन है, तो बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रहा है क्या आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं उसको ऑफ करता हूँ, अभी आप सुनिए बैकग्राउंड नॉइज। और बाय द वे ये माइक ख़राब नहीं है, आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं 2 साल से मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अपना ऑडियो देख लो, बढ़िया ऑडियो है, और इसको तो अपन GoPro भी लगा सकते हैं वैसे बाद में। ओके, तो अभी मैं मॉनिटर करूँगा, आ रहा है मुझे मेरा साउंड आ रहा है, ओ DB बढ़ाता हूँ, हाउ इज इट, ओ माई गॉड आवाज़ बढ़ गया, आई कैन हियर दैट आवाज़ थोड़ा। तो वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस, बस आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये देखिए माइक कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या बात है, और यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो रेड हो जाएगा जब भी बैटरी इसकी कम हो जाएगी। तो बैटरी कम होने का देखो, 100 आवर्स की बैटरी बोल रहे हैं, ठीक है, 100 आवर्स में ग्रीन रहेगा और जब लाल होगा तब 3 घंटा चलेगा, तो 100 आवर्स काफ़ी ज़्यादा है, और 2 बैटरी एक्स्ट्रा रखने का सेट, और कितना मिनिमलिस्टिक दिख रहा है, देखो सॉलिड दिख रहा है, ये ऐसा हिल भी नहीं रहा है, सॉलिड है, इसको मैं जेब में भी डाल सकता हूँ। तो ये वाला माइक लेके अपन जाएंगे बाहर चेक करेंगे कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, ट्रैफिक में साउंड कैसा आ रहा है, विंड में साउंड कैसा आ रहा है, और फिर उस हिसाब से आप कमेंट करके बताइए कि आपको साउंड क्वालिटी में फ़र्क समझा या नहीं समझा। अभी बहुत फ़र्क नहीं होगा शायद, क्योंकि इट्स लाइक माइक ही है, बस इससे अपग्रेडेड माइक है, बट क्लैरिटी में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, बैकग्राउंड नॉइज रिजेक्शन में फ़र्क हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं पीछे से बात कर रहा हूँ ये माइक में, तो उसके पीछे भी माइक है, देखो, हेलो, इसके पीछे भी माइक है, तो मुझे ऐसे चिपक के बात करने की जरूरत नहीं, आई कैन टॉक फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो अभी हम हैं बाहर इस नए सेनाइजर के MKE 400 ये माइक के साथ हम बात कर रहे हैं। अभी आप बैकग्राउंड नॉइज सुन लो, मेरी एक्टिवा जो है उसको चालू रखा है, ऐसा बैकग्राउंड नॉइज है, ये जो है ये नॉर्मल साउंड पे है, मतलब प्लस में माइनस में नहीं है, नॉर्मल पे है, और इसका लो पास फिल्टर जो है वो बंद है, तो उसको मैं चालू करूँगा और फिर देखते हैं बैकग्राउंड नॉइज कैसा आता है। अब सुनो बैकग्राउंड नॉइस, अभी गाड़ी चलाएंगे और मैं यहीं पे आसपास राउंड मार रहा हूँ, हेलमेट नहीं पहना है समझ लीजिएगा। तो अभी मैं स्कूटर चला रहा हूँ और आ आवाज़ सुन सकते हैं, डेफिनेटली आपको विंड नॉइज आ रहा होगा, बिकॉज इस पे मैंने जो डेड कैट है वो डाला नहीं है, वैसे खड़े खड़े ज़रूरत नहीं है कैमरा में, ये माइक में सॉरी, लेकिन डेड कैट में डाल के भी चेक करूँगा आपको कैसी आवाज़ आ रही है बताइए। लेकिन अभी स्पीड बढ़ाता हूँ
और फिर देखते हैं आपको आवाज़ कैसा आता है। आई एम नॉट श्योर आपका आवाज़ आ रहा है क्या। काफ़ी स्पीड में है, इसी स्पीड में तो बड़े बड़े माइक फूस हो जाते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज़ कैसा आ रहा है आप चेक कर सकते हैं। वैसे अभी सिर्फ डेड कैट लगाऊंगा और डेड कैट लगा के फिर विंड नॉइज़ तो बहुत कम हो जाएगा। वैसे आता नहीं है इसमें क्योंकि इसके अंदर ही डेड कैट का वो फंक्शन है, लेकिन लगाने के बाद और ज़्यादा कम हो जाएगा। वैसे सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्लॉक कर रहा हूँ, तो अभी मैं डेड कैट को लगाऊंगा ये माइक के ऊपर। वैसे हवा बहुत ज़्यादा हो गई है, पेड़ पत्ते हिल रहे हैं ना, हवा काफ़ी तेज़ है। कैसी आवाज़ आ रही है बताइए, मैंने भी चेक नहीं किया है, मैं चेक करूँगा। तो ये देखो डेड कैट लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है यार। अभी गाड़ी चलाएंगे और देखते हैं डेड कैट कितना काम करता है। तो अभी अपनी एक्टिवा चल चुकी है, वही अपनी 20-30 की स्पीड। अभी आपको आवाज़ शायद थोड़ा बेटर आ रहा होगा, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। थोड़ा शांत रहता हूँ और फिर आप विंड नॉइज़ सुनो, कम है। मेरी कैप उड़ना चाहे बस। अभी ये बस चेक करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए घर के आसपास ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसीलिए हेलमेट नहीं पहना है। ये इतना डार्क हो गया यार, शाम का वक्त है ना। तो कैसा आवाज़ आया आपको बताइए। डेड कैट तो लगी हुई है, इसको ऐसे लगा के भी मैं रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निकाल भी दूंगा तो जेब में माइक भी डाल सकता हूँ, तो सही है। बहुत पोर्टेबल माइक है और अच्छी प्राइस में मिला है। ये मुझे पड़ा 11,500 में, वैसे तो 13,000 के आसपास होता है, लेकिन 11,500 में अच्छी डील में मुझे मिल गया, तो इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। और इसका सेटअप काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये कैमरा है, कैमरा क्या कर रहे हो? शूटिंग चालू है, आओगे वीडियो में आओगे? वैसे आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बेसी सुनाई दे रही होगी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड माइक। अगर ओल्ड माइक का साइड बाई साइड मैंने कंपेरिजन दिखाया तो आपको समझेगा कि थोड़ी बेसी है, और थोड़ा पिच जो है ना साउंड में वो थोड़ा अच्छा है। मैंने एक क्लिप अच्छे से सुनी थी और कंपेयर किया, तब मुझे समझा कि फ़र्क है, बस फ़र्क तो है। चलो काम करने निकला था, काम निपटा के मिलता हूँ। तो काम मतलब देखो ये सब सामान आजकल मुझे अकेले लाने पड़ते हैं, मतलब वैसे मैं ही लाता था। तो ये अपना ऐसे ही चाय पानी के लिए, ये दूध लेके आया हूँ, ये चिकन, क्योंकि आज हम चिकन खाएंगे। अभी घर का खाना नॉनवेज खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है खुद तो बना सकता हूँ, तो मैं खुद पूरा नहीं बना रहा हूँ, वो जो सुहाना का रेडी मिक्स आता है ना चिकन वाला, तो वो डाल के डायरेक्ट कुकर में डाल दूंगा, बना लूंगा और खा लूंगा, वो भी अच्छा ही लगता है। सो इंडोर माइक कुछ ऐसा साउंड करता है, मैं नॉर्मल पिच में बात कर रहा हूँ, ये भी नॉर्मल डेसिबल्स पे ही है, ज़्यादा नहीं है कम नहीं है, और लो पास फिल्टर इसका ऑन है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अभी अपनी एक तुरंत राइड आने वाली है, बस स्टे ट्यून ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट्स आते रहेंगे, मज़ा आने वाला है काफ़ी। ये माइक का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जस्ट इन केस वी वांट टू परचेस यू कैन गो अहेड, मेरी लिंक यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फायदा हमको होता है। इसका भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। इसका मैं बेचने का भी डिसाइड किया नहीं है, तो देखते आगे जाके, अगर बेचना है तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा, सो चेकआउट देयर। एंड मैं सोच रहा था मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल भी रखूँ क्या, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि मैं उसको चला नहीं रहा हूँ जितना चलनी चाहिए। मतलब एक साल हो गया, एकदम मिंट कंडीशन है, जैसी चलनी चाहिए, जैसी नहीं चल रही थी वैसी ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मेरे से चलाना नहीं हो रहा है, बिकॉज घर पे कोई रहता नहीं है, फिर मैं कहीं जाता हूँ ठकुरन जी भी आनी है, और फिर इसकी वजह से आई डोंट वांट कि वो बस पड़ी रहे 6 महीना 1 साल, और फिर उसके बाद उससे अच्छा भी बेच देते हैं ना, तो उसका थोड़ा जितना अपने को चलाना था उतना चला नहीं अपन ने, अभी बेचने का टाइम शायद आ गया। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कॉन्टैक्ट में इंस्टाग्राम, लेट्स सी। वैसे मैंने वो अभी उसकी करंट प्राइस कुछ 32,000 रुपीज़ है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, देखते हैं, और मुंबई से हो तो बेटर है, मतलब यहीं कहीं आपको दे दूंगा। इसका एक छोटा वर्जन भी मिलता है बाय द वे, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, वो 7,000 का है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना प्रोफेशनल नहीं है, वो थोड़ा इससे छोटा है, तो दैट्स ओके।